हरी चीज़ पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। कभी औरत जीन्स पहन रही है तो उस पर उठाते हैं, कभी औरत बाहर काम करने जा रही है तो उस पर उठाते हैं, कभी कोई वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रहा है तो उस पर उठाते हैं। वो लोग अपनी माइंडसेट दिखाते हैं, ये हमारी माइंडसेट है, हमको हमारी चीज़ों को मोटिवेट करना है, हमारे कल्चर को मोटिवेट करना है। वो लोग हैं जो हर चीज़ को दबाएंगे और हम लोग जो पीस एंड लव का मैसेज देते हैं, हम लोग अपनी चीज़ों को इंशाल्लाह मोटिवेट करेंगे, अपने कल्चर को मोटिवेट करेंगे। भारताला स्वातंत्र्यवन 75 वर्ष आता पूर्ण होणार आहे जी, ऐसे पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, बट इट्स अ मैसेज फॉर, हम लोग ने जो ये रैली निकाली है, जो ये हम प्रोग्राम रख रहे हैं, ओपन प्रोग्राम रखा है पूरे मुमरा के लिए, तो ये एक मैसेज है फॉर आर अथॉरिटीज़, जो हमारे अथॉरिटीज़ बैठे हैं ऊपर, कि जस्ट बाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े और भक्तों वाले नारे लगा के नहीं होगा। अगर हम चाहे हम हो, चाहे राजस्थान की महिलाएं हो, चाहे कहीं की भी महिलाएं हो, अगर हम अपने जगह पर सेफ नहीं है बीइंग आर सेल्फ, तो इट्स नॉट अ गुड मैसेज। थैंक यू। आज वर्ल्ड वुमेंस डे है, पूरी दुनिया में ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज वुमेंस डे, औरतों के हक और अधिकार के लिए, उनके राइट्स के लिए। बट आप देखेंगे कि बहुत जगहों पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है औरतों की राइट्स को लेकर। जो हमने ये जो रैली निकाली, इट्स नॉट अ प्रोटेस्ट, इट्स नॉट एनी हेट मैसेज, ये कोई प्रोटेस्ट आंदोलन नहीं है, इट्स अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट के तौर पे हमने ये रैली निकाली है। कि जब देखिए पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीक़ों से वुमेंस डे सेलिब्रेट होता है, कोई अलग तरीके से करता है, कोई कुछ अलग तरीके से करता है, कोई कुकिंग कॉम्पिटिशन रख के करता है, तो कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट रख के करता है। तो हम एज मुस्लिम वुमेन हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करके इसको करना चाहते थे, इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि हम क्यों ना वुमेंस डे को हिजाब डे से एक मिक्स करके ये कॉन्सेप्ट को बनाया जाए, उसके साथ सेलिब्रेट किया जाए। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं माशाल्लाह हु आर डूइंग इनक्रेडिबली ग्रेट, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग हिजाब को पहनते हुए। वीमेन आर डूइंग स्पोर्ट्स, वीमेन्स आर डूइंग गुड इन लॉ, डॉक्टर्स बन रहे हैं औरतें, मैंने UPSC अटेम्प्ट किया है, आई एम इनटू सोशल वर्क नाउ। तो हमारा जो कल्चर है वो हमें अलाउ करता है कि हम अपने
हिजाब में रह के अपनी डिग्निटी में रहकर हर चीज़ कर सकते हैं, पढ़ाई हासिल कर सकते हैं, करियर हासिल कर सकते हैं। तो यही चीज़ को एक कॉन्सेप्ट था कि हम हिजाब को लेकर करना चाहते हैं, एक मिक्स वुमेंस डे के साथ हम हिजाब को जोड़कर एक सेलिब्रेशन करना चाहते थे अपने लोगों मतलब हमारे कल्चर के हिसाब से। तो इसीलिए ये रखा है, जो भी जितनी भी सारे डॉक्टर्स हैं और टीचर्स हैं और एडवोकेट हैं, हम उनको फेलिसिटेट करेंगे, अभी उनको मेडल्स देंगे, मेडल पहनाएंगे एज एन ऑनर के आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड वील कीप डूइंग इट एवरी ईयर। मार्च 8 को हम लोग अब से हर साल हिजाब के कॉम्बिनेशन में वुमेंस डे सेलिब्रेट करेंगे।